हेलो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस का टॉपिक और सॉल्यूशन के टॉपिक में बेसिकली हम पढ़ रहे थे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जिसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हमने प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट uh, के बारे में बात किया था और अब इस वीडियो में हमने देखना है कि हाउ टू मेजर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट तो उसके लिए हमारे पास जो है एक अप्रेटस होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं बेटा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मालूम करते हैं लेकिन उस एपरेटस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा बोर्ड पर ताकि हम उसकी कंस्ट्रक्शन आपको इजीली बता सकें जी स्टूडेंट्स आपके सामने एपरेटस आ रहा है जैसे हम क्या कहते हैं बेटा बैक बैकमेंस फ्रीजिंग एपरेटस कहा जाता है इसमें सबसे पहले आपके पास क्या होता है बेटा एपरेटस के तीन मेजर पार्ट्स हैं ठीक है इस सेपरेटर्स के कितने मेजर पार्ट है थ्री मेजर पार्ट्स हैं सबसे पहला एक फ्रीजिंग ट्यूब होती है और जो आपके एपरेटस में आपको नजर आ रही होगी फ्रीजिंग ट्यूब और इस फ्रीजिंग ट्यूब में एक साइड आर्म मौजूद होता है ठीक है इस फ्रीजिंग ट्यूब में क्या है बेटा आपको साइड आर्म होता है जिसमें आपके पास जो है अब ये फ्रीजिंग ट्यूब काम क्या करती है इट कंटेन्स सॉल्वेंट और सोल्यूशन एंड इज़ फिटेड विद अ स्टेरर एंड अ बेकमेंस थर्मामीटर तो आपके पास देखिए अगर आपको फ्रीजिंग ट्यूब जो है उसमें एक थर्मामीटर नज़र आ रहा होगा जिसे हम बैकमेंस थर्मामीटर कहते हैं और साथ में एक नजर आ रहा होगा ठीक है स्टरर क्या कर रहा होता है बेटा कंटीन्यूअसली स्टिरिंग कर रहा होता है सॉल्यूशन की या सॉल्वेंट की ठीक है बच्चों अच्छा फिर सेकेंड आपके पास जो है ये तो हो गया इसका पहला पार्ट ठीक है सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है एन आउटर लार्जर ट्यूब अब आपको नजर आ रही होगी इस फ्रीज, फ्रीजिंग ट्यूब के बाहर एक आउटर लार्जर ट्यूब भी मौजूद है ठीक है बच्चों और वो क्या कह रहे हैं इज एडजस्टेड द एयर जैकेट इन बिटवीन दिस ट्यूब हेल्प टू अचीव अ स्लोअर एंड मोर यूनिफॉर्म रेट ऑफ कूलिंग ये जो आपको बीच इनके दरमियान ये जो आपको नजर आ रही है डिफरेंस यहाँ पे क्या मौजूद है एयर जैकेट मौजूद है ये बेसिकली आपके पास क्या कर रही है ये जो है आपके पास जो आपके पास कूलिंग रेट है वो यूनिफॉर्मली हो इसलिए यहाँ पे क्या मौजूद है एयर जैकेट मौजूद होते हैं एंड थर्डली आपको सबसे लार्ज कंटेनर नज़र आ रहा होगा अ लार्ज जार जो कि बिल्कुल जो है किसके बाहर बाहर अटैच हुई हुई है बेटा लार्ज कंटेनर के बाहर है या जो लार्जर ट्यूब है उसके साथ है और इसमें क्या होता है बेटा इस ट्यूब में आपके पास मौजूद है फ्रीजिंग मिक्सचर ठीक है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट जो है वो यहाँ पे मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं जो कि इस फ्रीजिंग ट्यूब में मौजूद होता है ठीक है और क्या कह रहे हैं द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इज इमर्स इन द सॉल्वेंट सबसे पहले जो आपके पास जो बैकमेंस थर्मोमीटर है उसको फ्रीजिंग ट्यूब के सॉल्वेंट में क्या किया जाता है डिप कर दिया जाता है इतना कि उस बल्ब है वो क्या हो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर इमर्स हो ठीक है तो आप क्या करते हैं Uh, सबसे पहले उस फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्वेंट का वो क्या किया जाएगा ले लिया जाएगा इज मेजर्ड बट डायरेक्टली कूलिंग ओबियसली जैसे आप डायरेक्ट कूलिंग हो रही है उसका आपने क्या करना है फ्रीजिंग पॉइंट ले लेना है फिर उसके बाद यह क्या है द फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब इन द फ्रीजिंग मिक्सचर जैसे ही आपने फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब को फ्रीजिंग मिक्सचर में डाला होगा उसका थर्मामीटर में आपके पास रीडिंग आ गया आपने ले लिया अब फ्रीजिंग ट्यूब को देन आप क्या करते हो एयर जैकेट के अंदर पुट करते हो देन पुट इट इन एयर जैकेट और वो आहस्ता आहस्ता बहुत स्लो प्रोसेस से क्या होती है बेटा ठंडा हो रहा होता है ठीक है अब ये जो रेट होता है स्लो इसलिए किया जाता है ताकि आपको एक्यूरेट फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्वेंट का डिटरमाइन हो सके ठीक है ना अब आपके पास जैसे ही वो क्या होगा फ्रीज होगा सॉल्वेंट क्या हो जाएगा फ्रीज हो जाएगा क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है तो फिर आप क्या करोगे अगेन सॉल्वेंट को रीमेल्ट करोगे सबसे पहले कैसे कि ट्यूब को बाहर निकाल दोगे ठीक है ट्यूब को आपने क्या करना है आ, बात जो आपने उसको एयर जैकेट के बाथ में रखा था वहाँ से आप क्या करोगे उसको रिमूव कराओगे ठीक है और रिमूव कराने के उसको रीमेल्ट किया जाएगा ऑब्वियसली मेल्ट होगा वो और फिर उसका वेट लिया जाएगा जो कि पॉइंट टू ग्राम जो होगा सॉल्यूट होगा उसमें वापस आप ऐड करोगे रिमेल्ट किया रिमेल्ट करने के बाद पॉइंट टू से पॉइंट थ्री ग्राम तक का सॉल्यूट आपने क्या करना है अब इसमें ऐड कर देना है ठीक है जो आपके पास ट्यूब थी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज डिटरमाइंड वाइल स्ट अब जैसे ही आपने सोल्यूट ऐड किया बेटा तो आप उसको स्टिर करोगे ताकि वो सोल्यूट उसमें डिजोल्व हो जाए वंस द दोल्यूट इज़ डिज़ोल्व तो उसके बाद आपने क्या करना है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सोल्यूशन का क्या करोगे डिटरमाइन करोगे नाव अगेन आपने उसको ट्यूब को क्या किया हुआ है बेटा एयर जैकेट वाले उसमें डाला हुआ हिस्से में पुट किया एंड देन उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिटरमाइन कर लिया पहले क्या किया आपने क्या किया था बेटा प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट लिया था फिर उसके बाद उस प्योर सॉल्वेंट को मेल्ट किया मेल्ट करने के बाद उसमें इंसर्ट किया पॉइंट टू टू पॉइंट थ्री ग्राम ऑफ सॉलिड एंड देन उसको पुट किया वापस कहाँ पे बेटा एयर जैकेट में और फिर आपने इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या किया फाइंड आउट किया ठीक है नाउ आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट आ गया तो दोनों के डिफरेंस निकाल लेंगे डिफरेंस निकालने के बाद आपका वही आएगा डेल्टा टी एफ और फिर आपने क्या करना है इसी डेल्टा टी एफ के फॉर्म से आप क्या मालूम कर लोगे मोलर मास मालूम कर लोगे ठीक है बच्चों तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्रीजिंग टेम्परेचर कि हम इस तरह बैकमेंस एपरेटेस के थ्रू जो कि आपके पास कितने हिस्सों में है बेटा तीन हिस्सों में एक फ्रीजिंग ट्यूब फिर लार्जर ट्यूब जहाँ पे एयर जैकेट है और फिर मेजर ट्यूब ठीक है जहाँ पे आपका क्या मौजूद है फ्रीजिंग सॉल्वेंट मौजूद है क्लियर है बच्चों पहले आपके पास जो फ्रीजिंग ट्यूब है वहां पे जो सॉल्वेंट है उसकी आप रीडिंग लेंगे बाय इमर्सिंग थर्मोमीटर फ्रीजिंग पॉइंट पे आपने उसकी रीडिंग ली फिर उसको आपने रीमेल्ट किया रीमेल्ट करने के बाद रीमेल्ट करने के लिए आपने फ्रीजिंग ट्यूब को क्या किया बाहर की तरफ निकाला ताकि वो मेल्ट हो जाए मेल्ट हुआ उसमें आपने इंसर्ट कराया अपने सोल्यूट को एंड देन फिर आपने क्या किया उस ट्यूब को वापस ईयर जैकेट वाले हिस्से में रखा और उसको स्टेयर कर किया ताकि आपका सोल्यूट डिसोल्व हो जाए स्टेयरिंग करके फिर उसका आपने क्या लिया फ्रीजिंग टेम्परेचर लिया और देन फिर उसका डिफरेंस निकाला और आपको पता चल गया कि देर इज़ डिप्रेशन इन टेम्परेचर आपको डिप्रेशन इन टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया आपने तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ़ फ्रीजिंग टेम्परेचर तो अब क्या करना पड़ेगा अब आपको वापस आना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सकें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा सकें जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनर्जेटिक ऑफ सोल्यूशन तो उसके लिए आप भी एनर्जेटिक होके आइए मैं भी इनर्जेटिक होके आऊँगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे